अकबर और बीरबल, अकबर और बीरबल, अकबर और बीरबल की यारी। जहां पना हरिराम नाम का एक किसान आपसे मिलना चाहता है। ठीक है, उसे अंदर भेज दो। जहां पना, मेरी मदद कीजिए जहां पना। क्या हुआ हरिराम, क्या परेशानी है तुम्हें? जहां पना, मैं फल और सब्जियों की खेती करता हूँ और थोड़ा थोड़ा धन बचाकर मैं एक मटके में छुपाकर जमीन में गाड़ कर रखता था, लेकिन आज सुबह जब मैं खेत पहुंचा तो मेरा गड़ा हुआ धन चोरी हो चुका था जहां पना। ये कैसी मूर्खतापूर्ण बात है, अपने घर से बाहर कौन अपना धन जमीन में गाड़ कर रखता है? मैं सच कह रहा हूँ जहां पना, चोर लुटेरों के डर से मैं अपना धन खेत पर ही छुपा कर रखता था, जिसे मैं अपनी बेटी के विवाह के लिए जोड़ रहा था। अगर वो धन नहीं मिला तो मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं कर पाऊंगा जहां पना, मेरी मदद कीजिए। ठीक है हरिराम, हम तुम्हारी बात मान लेते हैं और वो जगह देखना चाहते हैं जहां तुम अपना धन गाड़ कर रखते थे, लेकिन ध्यान रहे, अगर तुम्हारी बात झूठी निकली तो हम तुम्हें ऐसी सजा देंगे जिसके तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। चलिए बिरबल, चलकर देखते हैं कि इसकी बातों में कितनी सच्चाई है। जी जहां बना। ये देखिए जहां पना, यहाँ इसी कटहल के पेड़ के नीचे मैं अपना धन छुपा कर रखता था। बिरबल, इस गड्ढे को देखकर तो ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि यहाँ कभी किसी ने धन गाड़ कर रखा होगा। आपको क्या लगता है, हरिराम सच कह रहा है? जहां पना, किसी के कहने भर से कोई बात मान लेना जायज नहीं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हरिराम सच कह रहा है, क्योंकि ये गरीब साधारण किसान तो क्या, कोई भी अपने मनोरंजन के लिए शहंशाहे हिंद का समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं कर सकता। अगर आपको हरिराम की बातों में सच्चाई दिख रही है बिरबल, तो आप ही ये मामला सुलझाइए। जैसी आज्ञा जहां पना। हरिराम हुजूर, क्या तुम्हारे सिवा किसी और को भी इस धन के बारे में पता था? नहीं हुजूर, इस पूरे संसार में मेरे अलावा इस धन के बारे में किसी को कोई खबर नहीं थी। हो सकता है किसी ने तुम्हें धन गाड़ते हुए देख लिया और मौका मिलते ही वो धन को ले उड़ा। नहीं हुजूर, इस बात का तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि मैंने करीब एक महीने पहले मटके में 5 चांदी के सिक्के और जोड़े थे। यदि उस वक्त किसी ने भी मुझे देखा होता तो वो मेरे यहाँ से जाते ही धन निकाल लेता, एक महीने का इंतजार नहीं करता हुजूर। जहां पना, ये मामला थोड़ा पेचीदा है, यहाँ ऐसा कोई सबूत भी नहीं कि चोर तक पहुंचा जा सके। मुझे इस मामले को सुलझाने के लिए थोड़ा समय चाहिए। हम आपको 2 दिन का वक्त देते हैं बिरबल। अगर इन 2 दिनों में आप इस मामले को सुलझा लेते हैं तो ठीक है, वरना हरिराम जितना कहेगा उसका दुगुना धन आपको इसे देना होगा। क्योंकि आप ही को लगता है कि ये सच बोल रहा है। आप चिंता मत कीजिए स्वामी, सब ठीक हो जाएगा। पर भागवती, अगर धन नहीं मिला तो हम निर्मला का विवाह कैसे कर पाएंगे? पिताजी, अब ये मामला बीरबल जी के हाथ में है, वो तो अंधेरे में से उजाला ढूंढकर लाने की ताकत रखते हैं। बेशक इस चोरी का कोई सबूत नहीं, पर मुझे पूरा विश्वास है कि बीरबल जी चोर को अवश्य पकड़ लेंगे। स्वामी ये लीजिए, खाना खाइए। अरे तुम कब आई उर्वशी? जब आप
अपनी ही किसी दुनिया में खोए हुए थे। क्या जान सकती हूँ क्या सोच रहे थे? कुछ नहीं उर्वशी, आज जहाँपना ने एक पेचीदा मामला सौंप दिया है, उसी मामले को सुलझाने की युक्ति सोच रहा था। ज्यादा सोचने से पेट खराब हो जाता है स्वामी। अगर ऐसा हुआ तो मुझे 10 कोस दूर जाकर कटल की जड़ लाकर उसकी दवा बनाकर आपको खिलानी पड़ेगी। इसीलिए आपसे प्रार्थना है कि ज्यादा सोचकर मेरा काम न बढ़ाइए, क्योंकि घर में वैसे ही बहुत काम रहता है। अरे 10 कोस दूर जाने की कोई जरूरत नहीं उर्वशी, कटहल की जड़ तो तुम्हें यहीं पास में हरिराम जी के खेत से ही मिल जाएगी। कटहल की जड़? आइए बिरबल, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। प्रणाम जहापना। प्रणाम बिरबल। कहिए, हरिराम के धन का चोर मिला कि नहीं? जहापना, मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि आपके दिए 2 दिन के समय से पहले ही उस चोर को पकड़ लूं, किंतु ये पेट बीच में आ रहा है। क्यों बिरबल, क्या हुआ तुम्हारे पेट को? बिना किसी सबूत के चोर तक पहुंचने का सोच सोच कर मेरा पेट खराब हो गया है जहापना। शाही वैद्य की दवा से भी आराम नहीं मिला। अब जब तक ये पेट का दर्द ठीक नहीं हो जाता, मैं हरिराम जी का चोर तो क्या, एक चींटी पकड़ने के बारे में भी नहीं सोच सकता। आप चिंता ना करें बिरबल, हम राज्य भर के अच्छे से अच्छे वैद्यों से आपका इलाज करवाएंगे। सिपाहियों। जी जहांपना। जाओ और राज्य के सभी अच्छे वैद्यों को दरबार में लेकर आओ। जी जहांपना। सिपाही, हरिराम जी को भी साथ लेते आइएगा। जी बिरबल जी। बिरबल ने वैद्य के साथ साथ हरिराम को लाने को क्यों कहा? जहांपना, हुकुम के मुताबिक हम हरिराम जी और राज्य के सबसे अच्छे वैद्यों को ले आए हैं। हरिराम जी, आपके मामले पर थोड़ी देर में गौर किया जाएगा, आप इंतजार कीजिए और आप सभी जल्द से जल्द बिरबल जी का इलाज शुरू करें। जहांपना, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इलाज से पहले इन वैद्यों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जरूर बिरबल जी, पूछिए जो पूछना है। शुक्रिया जहांपना। क्या मैं आप लोगों का नाम और आप किन चीजों से औषधि बनाते हैं जान सकता हूँ? मेरा नाम देवीदत्त है मंत्री जी, मैं हरद के बीज और अदरक को पीसकर दवा बनाता हूँ। आप? मेरा नाम दीनानाथ है हुजूर, मैं मेथी और अनारदाने से औषधि बनाता हूँ। और आप श्रीमान? मेरा नाम त्रिभुवन दास है बीरबल जी, मैं कटहल की जड़ से औषधि बनाता हूँ। तो कहीं आप ही तो वो चोर नहीं जिसने हरिराम के खेत से उनका गड़ा धन चोरी किया है? बीरबल जी, जिस धन के बारे में आप बात कर रहे हैं वो मैं साथ ही ले आया हूँ। जहांपना, मैं कटहल की जड़ के लिए खेतों पर गया था, जहाँ खुदाई में मुझे धन से भरा ये मटका मिला। 4 गांव दूर रहने की वजह से मुझे ये पता नहीं था कि वो खेत हरिराम का है और धन भी उसी का है। लेकिन मैं सच कहता हूँ कि मैं इस धन के मालिक को खोजना चाहता था, परंतु मुझे जल्द से जल्द अपने मरीज का इलाज करना था, इसीलिए सुरक्षा की दृष्टि से मुझे ये धन अपने साथ ले जाना पड़ा। किंतु दरबार आते हुए मैं इसे अपने साथ ही ले आया, ताकि इसे बादशाह अकबर के हवाले करके इसके मालिक के पास पहुंचा सकूं। आपकी ईमानदारी को बिरबल का प्रणाम त्रिभुवन जी। लीजिए महाराज, आपके दिए हुए समय से पहले ही मैंने हरिराम जी के धन को ढूंढ निकाला जो कि त्रिभुवन जी के पास सुरक्षित था। त्रिभुवन जी, इतना धन देखकर किसी की भी नीयत खराब हो सकती थी, आपकी ईमानदारी को देखकर हम आपको अभी शाही वैद्य नियुक्त करते हैं। शुक्रिया बादशाह हुजूर। लेकिन बिरबल, हम ये जानने को बेताब हैं कि बिना किसी सबूत के आप इस मामले की जड़ तक कैसे पहुंच गए? जहांपना, मैं घर में बैठा हरिराम जी के धन के बारे में ही सोच रहा था कि तभी। ज्यादा सोचने से पेट खराब हो जाता है स्वामी। अगर ऐसा हुआ
तो मुझे 10 कोस दूर जाकर कटहल की जड़ लाकर उसकी दवा बनाकर आपको खिलानी पड़ेगी। कटहल और उसकी जड़ से दवा बनाने की बात सामने आते ही मुझे हरिराम जी के कटहल का पेड़ और उसकी जड़ याद आ गई, जहाँ से धन गायब हुआ था। बस जहाँ बना फिर क्या था, मैंने 2 और 2 जोड़ लिए और बाकी सब आपके सामने है। वाह बिरबल, क्या जोड़ बिठाया। हम सोच रहे थे कि आपने वैद्यों के साथ साथ हरिराम को क्यों बुलावा भेजा है, जिसका जवाब हमें मिल चुका है। और हम ये भी समझ गए कि आपका पेट दर्द झूठा था। वाकई बिरबल, आप लाजवाब हैं। हरिराम जी, जहां पना, आप अपना धन ले जा सकते हैं। साथ ही आप पर शक करने के लिए हम आपसे माफी चाहते हैं और ये ऐलान करते हैं कि आपकी बेटी का विवाह शाही खर्चे पर किया जाएगा। बादशाह अकबर की जय, बीरबल जी की जय।